जैसा कि हम इस समय विश्वव्यापी महामारी से जूझ रहे हैं, सब लोग जहाँ के तहाँ इस स्थिति पे हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। मानसिक रूप से भी सब लोग कहीं ना कहीं से परेशान हैं। तो आज हम शुरुआत किए हैं कि संगीत संस्थान के जो भी छात्र छात्राएं हैं, कुछ ना कुछ उनको समय का उपयोग किया जाए, कराया जाए। इसी क्रम में आज छोटी सी एक क्लिप में छोटे छोटे तालों की, जो बेसिक ताल हैं हमारे डिप्लोमा के बच्चों का, और अभी हमने सरस्वती वंदना का नोटेशन भेज दिया है, और तालों का दादरा ताल, ताल रूपक और तीन ताल, इसका राग पूर्ण परिचय भी हमने अभी ग्रुप में भेजा है। और मैं शुरू कर रहा हूँ दादरा ताल से, जिसका पूरा वर्णन आपके पास है, भेजा जा चुका है। और ये कैसे बजता है, सबसे छोटी सी ताल है, सबसे प्रचलित ताल है, चंचल और बहुत ही लोकप्रिय ताल है, ताल दादरा छः मात्रे की। आप देखें तबले पे कैसे इसको निकालना है, कैसे बजाना है। ताल दादरा छः मात्रे की, आ ई ला धा तू ला धा ई ला धा तू ला। इसका लय बढ़ाएंगे, गाने के हिसाब से इसकी लय में बढ़त होती है। और दादरा ताल को विलंबित एक तरह से कह सकते हैं, विलंबित, मध्य और ध्रुत तीनों लय में इसको उपयोग किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। देखें आप, धा ई ला धा दादरा ताल छह मात्रा। पहली मात्रा धा, फिर धी, फिर धा, एक विभाग, खाली का विभाग, धा तू धा धा धी ना धा तू धा धी ना धा तू। तो जो अभी ये सरस्वती वंदना, ये शारदीय माँ हम भेजे हैं आपको नोटेशन सहित, ये इसी लय में और यही बोल दादरा का उसमें बजेगा। आगे सात मात्रे की एक बहुत ही प्रचलित ताल है, जो कि रूपक ताल से नाम, ताल के नाम से हम जानते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि यह प्रायः मध्य लय में बजती है, और इसके तीन विभाग होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे, इसका पूरा वर्णन भेजा जा चुका है। और यह ऐसी ताल है जिसको जिसके बारे में दो मत है, ताली खाली के बारे में। कुछ लोगों का मत है कि पहले, इसके पहले विभाग में ही, पहले मात्रे पर खाली है, लेकिन बहुत से विद्वानों का मत है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहली मात्रे पे सम माना जाता है। तो पहली मात्रे पे सम मान के इसको लिख के आप तक पहुँचाया गया है, और उसके हिसाब से इस कैसे बजेगा आप देखिए। रूपक ताल सात मात्रे, ती ती ना ती हिसाब से इसमें बोल भी कुछ इसके अलग अलग प्रकार भी बना सकते हैं, जिससे कि हम धीना को डबल डबल कर देंगे दोनों विभाग के। देखिए कैसे, इस प्रकार बहुत ही अच्छी और प्रचलित ताल है सात मात्रा की, रूपक ताल। और एक और ताल जो कि आदि ताल के नाम से हम जानते हैं, और शास्त्रीय संगीत का बेसिक ताल इसको कर लीजिए, तीन ताल, जो कि इसका पूरा काली खाली विभाग का वर्णन हमने आपको भी ग्रुप में दिया है। इसका ठेका कैसे बजेगा, चार चार मात्रे के चार विभाग, देखिए तीन ताल। इसका जो है छोटे ख्याल में सर्वाधिक प्रयोग होता है, यह बहुत ही प्रचलित ताल है शास्त्रीय संगीत के लिए। इसी प्रकार हम रोज सायं चार बजे के पश्चात कुछ न कुछ डिप्लोमा से लेकर के और प्रभागत तक के छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग ताल, राग, जो भी चीज़ें हैं, हमको क्रम से हम
देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और उम्मीद है कि इसका आप इस जो समय ये खाली है, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।